क्या आपको लगता है कि आपके भारत पशुधन ऐप जो है उसमें कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, या फिर आपने किसी को अपना आईडी और पासवर्ड दिया था और आपने उसके बाद अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया और वो इंसान आपका अभी तक आईडी और पासवर्ड यूज कर रहा है और उसपे कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आपने ऐसी गलती कर दी है और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है उसके बाद आपको पता नहीं चल रहा कि आप पासवर्ड इसका किस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो में आपको आज बताते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल में इस तरह का कॉन्टेंट ही मिलता है और जेन्युइन कॉन्टेंट मिलता है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे बने रहेगा और इसमें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से हम समझाएंगे कि किस तरह से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो देखिए आप साइट पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए भारत पशुधन ऐप जो है हमने लॉगिन के लिए लगा दी है, जैसे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर अपना क्या करना, आईडी और पासवर्ड यहाँ पर लगा देना है। तो देखिए आईडी और पासवर्ड लगाने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरह से कुछ इंटरफेस आ जाता है हमारे पास, जैसे ये इंटरफेस आ जाता है। अब हमें क्या करना है, हमें अपना पासवर्ड चेंज करना है। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको सिंपल यहाँ पर सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद इस तरह के कुछ ऑप्शन आएंगे और आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सेकंड वाले पे रीसेट कर देना। और रीसेट करने के बाद देखिए आपको ऊपर क्या दिखा रहा है कि करंट पासवर्ड, आपको यहाँ पे करंट पासवर्ड देना जो आपका पासवर्ड है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे न्यू पासवर्ड देना है। न्यू पासवर्ड देने के बाद जो तीसरे नंबर पे है आपको फिर से एक बार जो न्यू आपने पासवर्ड लगाया है वो फिर से यहाँ पर दोहराना है और फिर से यहाँ पर लिख देना है। लिख देने के बाद यहाँ पर सिंपल सबमिट करेंगे और आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा और आपका जो अकाउंट होगा वो सिर्फ आप ही यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बता के जाना, अगर कोई भी आपका डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ।